नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है आज सुबह के सभी ताजा खबरों की। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, मोदी सरकार आज किसानों के लिए कर सकती है बड़ा ऐलान। गृह मामले की संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज। दिल्ली में जिम और साप्ताहिक बाजार खुलने को लेकर आज होगा फैसला। पीएम मोदी ने लोगों से की ये अपील। देश में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। फेसबुक मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। गुजरात के 5 शहरों में बनेंगे 70 मंजिला से अधिक ऊंचे इमारत। चुनाव को लेकर जल्द दिशा निर्देश जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। अब जियो फोन यूजर भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देश भर के गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर आ सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए गन्ना की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खरीद मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की संभावना है। राजधानी दिल्ली में जिम, साप्ताहिक बाजार और होटल खोले जाने को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार आज फैसला ले सकती है, क्योंकि इस मुद्दे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल के नेतृत्व में DDMA की अहम बैठक आज होगी। गौरतलब है कि ये मीटिंग कल ही हो रही थी पर इसे कल स्थगित कर दिया गया था। गृह मामले की संसदीय स्थायी समिति आज COVID-19 की स्थिति और देश में इसके लिए प्रबंधन को लेकर चर्चा करेगी। सूत्रों के मुताबिक समिति की अध्यक्षता कांग्रेस नेता आनंद शर्मा कर रहे हैं और बैठक केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के प्रबंधन को लेकर चर्चा होने की संभावना है। हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के महत्वपूर्ण पोत और पनडुब्बियों की तैनाती सहित देश के समुद्री सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा के लिए भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर आज से 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेंगे। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS जनरल बिपिन रावत सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस में वापसी के बाद सचिन पायलट आज पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचेंगे और टोंक विधानसभा क्षेत्र के सभी सरपंच, टोंक के पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। वहीं सचिन पायलट के टोंक आगमन को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया मंच फेसबुक को लेकर चल रहे मामले के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, कुछ लोग समझते हैं कि सार्वजनिक मंच पर उनका एक अधिकार होना चाहिए भले ही उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया हो। गौरतलब है कि जब से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर प्रकाशित की कि फेसबुक भाजपा के कुछ नेताओं पर हेट स्पीच के भाषण के नियमों को लागू करने में अनदेखी करता है, तब से कांग्रेस और भाजपा में बयानबाजी का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए द्विपक्षीय अस्थायी व्यवस्था स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर सहित 13 देशों के साथ बातचीत कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के पारस्परिक हितों पर चर्चा व द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने को लेकर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ढाका के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि विदेश सचिव बनने के बाद से बांग्लादेश के लिए उनका ये दूसरा दौरा है और इससे पहले वे मार्च में बांग्लादेश गए थे। रिलायंस जियो ने अपने जियो फोन यूजर्स को बड़ा तोहफा देते हुए UPI का सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, यानी कि अब जियो फोन यूजर भी स्मार्टफोन यूजर की तरह UPI पेमेंट कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस फीचर की टेस्टिंग पिछले 1 साल में पूरी हो रही थी। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के बाद भारत सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है, जहां स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहत स्मार्ट डिवाइस के लिए हार्डवेयर का निर्माण करना होगा। आपको बता दें कि ये चैलेंज ऐप इनोवेशन चैलेंज जैसा ही है, जिसमें कंपनियां हिस्सा ले सकती है और इस चैलेंज के तहत 25 विजेता टीम को कुल 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मानसून के मौसम में एहतियातन बरतने की सलाह दी। PM ने ट्वीट कर कहा कि ये वर्षा जनित और मच्छर जनित रोगों का मौसम है, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ठीक तरीके से एहतियात बरतें। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा कि सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने जानकारी दी कि देश में कोरोना से ठीक होने की दर तेज रफ्तार से बढ़ रही है, जहां ठीक होने वाले मरीज की संख्या 19.70 लाख से अधिक है। उन्होंने बताया कि ये संख्या कोरोना के सजग मरीजों से 2.93 गुना ज्यादा है। गुजरात के 5 प्रमुख शहरों में 70 से अधिक मंजिल वाली इमारतों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि गुजरात के CM विजय रूपानी ने बदलते नियम के तहत इसके निर्माण की अनुमति दे दी है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार डीलरों को सूक्ष्म लघु एवं मझले उद्यमों का दर्जा देने पर विचार कर रही है और इससे डीलर भी एमएसएमई को मिलने वाले लाभ के पात्र हो सकेंगे। चुनाव आयोग कोविड-19 के दौरान चुनाव कराने के लिए 3 दिनों के भीतर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करेगा। आयोग ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 अवधि के दौरान चुनाव और उपचुनाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी करने के मामले पर आयोग की बैठक में चर्चा की गई है। पीएम केयर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि पीएम केयर्स पर सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए फैसले ने राहुल गांधी के गलत मंसूबे पर पानी फेर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावपूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई की जीत होती है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीआईआई के वेबिनार में आत्मनिर्भर भारत को लेकर कहा कि हमारी आबादी का 40% हिस्सा 2030 तक शहरी केंद्रों में रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती शहरी आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक हर साल 600 से 800 मिलियन वर्ग मीटर शहरी मकान बनाने होंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अवमानना मामले की कार्रवाई शुरू करने से पहले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की सहमति मांगी गई है। आपको बता दें कि स्वरा ने फरवरी माह में आयोजित एक पैनल चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। हिमाचल में हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि हिमाचल सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की विशेष पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने तय शेड्यूल के मुताबिक ही कॉलेज के 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा लेने की मंजूरी दी है। हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर बैठक हुई, जहां इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहर के पानी को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि इस बैठक में इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकल पाया और इस मसले पर दोबारा मीटिंग होगी। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी रत्न के लिए भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला पहलवान विनेश फोगाट और पेरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु के नाम की सिफारिश की गई है। जानकारी के मुताबिक इस सिफारिश पर खेल मंत्रालय अंतिम मुहर लगाएगा और फिर 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खेल रत्न के अलावा अन्य खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आने के साथ ही वहां के नेताओं द्वारा बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जहां इसी कड़ी में अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिसेज ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे शख्स नहीं जिनकी हमें जरूरत है। उन्होंने कहा कि ट्रंप हमारे देश के लिए गलत राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मुश्किल हालात पैदा किए हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चों की स्कूल फीस माफी को लेकर राजधानी लखनऊ के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को विधान भवन के सामने चटाई बिछाकर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों के संबंध में जनता से सहयोग मांगा। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फीस माफी की गुहार लगाई है। यूपी में कोरोना से निपटने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी मेहनत रंग भी ला रही है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है, जहां इस कड़ी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए पलटीमार की संज्ञा देते हुए तंज कसा और कहा कि नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम कि उन्होंने कहां कहां कब और कैसे कैसे पलटियां मारी है। झारखंड में स्थानीयता नीति में बदलाव की राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की घोषणा को भाजपा ने चुनावी एजेंडा करार दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य समीर उरांव ने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं हेमंत सोरेन स्थानीयता का राग अलापने लगते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध का जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए 13 गेट औसतन 1.80 मीटर की ऊंचाई तक खोले जा रहे हैं और इनमें 121,660 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि बारिश के कारण बांध का जल स्तर में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महोबा के रूड़ीकला के ग्राम किन्नौरा के प्रधान की लापरवाही के कारण गाँव का बुरा हाल है और गांव के चारों ओर अव्यवस्था के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी बीच गांव वालों ने परेशानियों से निराश होकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बिहार के गया से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि गया में स्वाभिमान पार्टी के जिला महामंत्री अमित शर्मा और अक्षय सिंह प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा स्थानीय लोक गायक दिलीप राजा को संगीत कार्यकर्ता पद देकर सम्मानित किया गया।
उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महोबा जिले के चरखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुरारा डॉग में बिजली चोरी चेकिंग के लिए गई बिजली विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं अपर अभियंता प्रवीण यादव द्वारा इस मामले की सूचना दिए जाने के बाद पुलिस बल गाँव में पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। तो ये थी आज सुबह की सभी ताजा खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।